विराट कोहली लगते हम दाढ़ी में, तुम अनुष्का सही लगती साड़ी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए पंचवेली फास्ट पैसेंजर ट्रेन की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि छिंदवाड़ा से इंदौर के मध्य चलने वाली पंचवेली फास्ट पैसेंजर ट्रेन, ये ट्रेन कोरोना संक्रमण काल से बंद है, परंतु परिस्थितियां समान होने के उपरांत भी रेल विभाग द्वारा इस ट्रेन का पूर्ण संचालन नहीं किया जा रहा है, जिससे छिंदवाड़ा से इंदौर व इसके मध्य आने वाले विभिन्न स्टेशनों के यात्रियों को अत्यधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। विदित हो कि पूर्व में छिंदवाड़ा से नागपुर के मध्य चलने वाली नैरो गेज ट्रेन सुबह 6 बजे छिंदवाड़ा से रवाना हुआ करती थी, परंतु बड़ी लाइन में परिवर्तित होने के बाद इसका समय में भी परिवर्तन कर दिया गया है, जिससे छिंदवाड़ा से नागपुर व नागपुर से छिंदवाड़ा आने जाने वाले रेल यात्री, व्यापारी व मरीजों को किसी भी तरह का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस ने स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से रेल मंत्री को प्रेषित अपने ज्ञापन में रेल यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए शीघ्र अति शीघ्र छिंदवाड़ा से इंदौर के मध्य चलने वाली पंचवेली एक्सप्रेस को पूर्व के समय अनुसार तत्काल प्रारंभ किए जाने, साथ ही साथ छिंदवाड़ा से इंदौर के बीच चलने वाली ट्रेन के समय में भी परिवर्तन कर इसके फेरे भी बढ़ाए जाने की मांग की गई है। छिंदवाड़ा से इंदौर के मध्य चलने वाली पंचवेली फास्ट पैसेंजर एक्सप्रेस के नियमित संचालन व छिंदवाड़ा नागपुर के मध्य चलने वाली लोकल ट्रेन की समय सारणी में परिवर्तन को लेकर कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने छिंदवाड़ा जंक्शन के कार्यालय प्रमुख को पुनः एक ज्ञापन प्रस्तुत कर शीघ्र ही रेल सुविधाओं को पूर्ववत किए जाने की मांग की गई है। आपको बताते चलें कि माननीय सांसद नकुलनाथ, जो कि छिंदवाड़ा के माननीय सांसद हैं, उनके द्वारा भी रेलवे से निवेदन किया था, लेकिन उनकी बात को भी अभी तक भारतीय रेलवे ने नहीं सुना है। इस कारणवश छिंदवाड़ा इंदौर पंचवेली ट्रेन को अभी तक शुरू नहीं किया गया है। रेल अधिकारियों का भी छिंदवाड़ा में आगमन हुआ था। उस आगमन पर क्षेत्र की जनता ने जब ये सवाल पूछा गया था कि छिंदवाड़ा इंदौर पंचवेली फास्ट पैसेंजर को कब शुरू किया जाएगा, इस बात पर रेलवे अधिकारियों ने भी अपना पल्ला झाड़कर कह दिया था कि पंचवेली फास्ट ट्रेन को चलाने की परमिशन रेलवे बोर्ड से मांगी गई है, लेकिन अभी तक परमिशन नहीं मिली है। क्षेत्र की जनता को छिंदवाड़ा इंदौर पंचवेली एक्सप्रेस ट्रेन के शुरू होने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, लेकिन अभी तक पंचवेली को शुरू नहीं किया गया है। अब कोरोना की तीसरी लहर भी डरा रही है। अब देखने वाली बात है कि छिंदवाड़ा इंदौर पंचवेली को कब शुरू किया जाता है। जैसे ही छिंदवाड़ा इंदौर पंचवेली की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी या फिर छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी आएगी, हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।